मेडिटेशन हमें क्यों करनी चाहिए, इस पे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो भी फिजिक मेंटल सफरिंग्स आ रही है, या इवन जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, मन की स्थिति के कारण हमारे शरीर के टेम्परेचर पर, ब्लड प्रेशर पर और अलग अलग ऑर्गन्स पे जो प्रभाव हो रहा है, उसका भी हमने किया था। और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साउंड स्लीप, सेल्फ मोटिवेशन जैसे स्वमानों का अभ्यास, ज्ञान का मनन चिंतन, और किसी न किसी पैशन में या हॉबी में इन्वॉल्व होना, ये सब हमने लास्ट टाइम डीपली डिस्कस किया। और जैसे हमें हमारे लिए हवा, पानी, खाना, टेम्परेचर और स्पेस, चलना फिरना इम्पोर्टेंट है, पांच फाइव एलिमेंट्स की सप्लाई, इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे लिए मेडिटेशन भी और या स्लीप भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा चार्जिंग हम नींद में या मेडिटेशन में ही होते हैं। मेडिटेशन इस कॉन्शियस स्लीप, स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन, स्लीप इज चार्जिंग, मेडिटेशन इज सुपर चार्जिंग, स्लीप हैज हीलिंग पावर एंड मेडिटेशन हैज सुपर हीलिंग पावर्स। इसके बाद हमने ये भी अभ्यास किया कि अगर हम इनर पावर्स को बढ़ाते हैं तो बाहर की सिचुएशन सर्कमस्टेंस भी हमारी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ इनर रियम। और लॉ ऑफ कर्मा और साइकिल ऑफ कर्मा भी हमने समझा था कि अगर हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी जमा करके वही हम दूसरों को देते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थितियां हो, स्थान हो, ऑब्जेक्ट्स हो, अगर हमने अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी भरपूर की है और वही रेडिएट करते हैं, तो सभी तरह से हमें पॉजिटिव मिलना शुरू होता है। हम हमेशा जो मेहनत करते हैं वो व्यक्तियों पे करते हैं, परिस्थितियों पे करते हैं, किसी स्थान पे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं, तो वो आउटर हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भीतर अगर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है तो जिससे जिसके भी हम कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हम रिलीज करते हैं, और रिटर्न में वहाँ से कोई ना कोई नेगेटिव आती है बातें। तो अगर हम अपने भीतर को पॉजिटिव में भरपूर कर लें तो जो लॉ ऑफ कर्मा कहता है, जो हम देते हैं वो हमें रिटर्न मिलता है, तो उसके पीछे का जो राज है गहरा, कि हम दे वही सकते हैं जो हमारे भीतर जमा है, हमारे पास है अखंड रूप में। तो हमने अगर अपने भीतर शक्तियां जमा की है, सुख शांति प्रेम आनंद जमा किया है, तो हम वही देंगे और रिटर्न में वही आएगा हर तरह से। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ एनर्जी वी रेडिएट, पजेस एंड रेडिएट। जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी जमा करेंगे वही रेडिएट होगी, और उसी के द्वारा हमारे लाइफ में क्वालिटी आएगी, जैसे मन का सुख हो, या शरीर का हो, या धन संपत्ति साधनों का हो, या संबंधों का है, क्योंकि बिकॉज लाइफ इज एन इको, ये हमने डिटेल्स में। और एक कम्युनिकेशन का एक बहुत पॉइंट लास्ट टाइम रह गया, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट था, कि आज हम सभी फील करते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, बच्चे नहीं सुनते हैं, बड़े नहीं सुनते, आपस में हमारे कलीग्स नहीं सुनते हैं ना, चाहे पर्सनल रिलेशंस में हो या प्रोफेशनल रिलेशंस में हो, हर एक की कंप्लेन होती है कि सामने वाला समझता ही नहीं हमारी बात को। क्यों? क्योंकि हम जो भी उनको बात कहते हैं, हम मुंह से कहते हैं, उनके कानों तक जाती है, लेकिन मन के अंदर नहीं जाती है। क्यों? हमारे भीतर जो एनर्जी लेवल है, शक्तियां हैं आध्यात्मिक, वो कम हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम ध्यान में बैठकर अपनी उस कम्युनिकेशन एनर्जी को
बढ़ाते हैं क्योंकि हम मेडिटेशन मतलब कनेक्शन विद द सुप्रीम, विद द यूनिवर्स, विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स. तो जब हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को ब्रह्मांड की शक्तियों को के साथ, सुप्रीम के साथ, सर्वोच्च शक्ति सत्ता के साथ, तो हमारा जो कम्युनिकेशन एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है. उसके बाद जब भी हम किसी के इंटरेक्शन में आते हैं तो हमारी बात जो है वो खाली मुंह से नहीं लेकिन संकल्पों से, मन की शक्ति के द्वारा दूसरे के मन तक जाती है, माइंड को इन्फ्लुएंस करती है. और हर मनुष्य मानता किसकी है, अपने मन की मानता है, किसी की नहीं सुनता है लेकिन अपने मन की जरूर सुनता है. तो अगर हम अपने माइंड की एनर्जी को शक्तिशाली बना देते हैं तो हमारी एनर्जी पावरफुल होने के कारण किसी को हम थोड़े में शॉर्ट में भी अगर समझाते हैं तो वो बात उनके माइंड तक जाती है, इन्फ्लुएंस करती है और वो उस बात को प्रैक्टिकल करने लगता है, एक्सेप्ट कर लेता है. तो इसीलिए इस तरह से हमें अपनी कम्युनिकेशन एनर्जी को बढ़ाना है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं. तो जब कनेक्ट होते हैं सर्व उच्च सत्ता के साथ, उससे भी हमें इंट्यूशंस मिलते हैं. और फिर उसके बाद जब हम अपने एसोसिएट्स से कनेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे उनके तरफ वो एनर्जी जाने लगती है. तो ये इम्पोर्टेंट बेनिफिट है एनर्जी लेना और उसके बाद उनको चैनलाइज करना अपने एसोसिएट्स के साथ, संबंधियों के साथ, परिवार के साथ. Blessings, how to fetch blessing, how to realize, then how to announce and radiate, ये एक अलग टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे. कमिंग टू म्यूजिक थेरापी भी हमने डिस्कस किया था. आप सभी म्यूजिक थेरापी के लिए, हर मैंने बताया था कि आप सुबह को और स्पेशली सोने से पहले अगर मेडिटेशन सॉन्ग सुनते हैं तो वो म्यूजिक वेव्स जो है हमारे ब्रेन को एनर्जी देकर पावरफुल बनाती है. रात को स्पेशली सेल्स को रिलैक्स करके साउंड स्लीप में ले जाती हैं और हीलिंग पावर्स भी मिलते हैं. म्यूजिक के वेव्स जो हैं मोस्टली इस तरह से बनाए जाते हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन, जैसे मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में 8D साउंड, 8D हीलिंग साउंड था, ब्रेन मसाज, 8 डायमेंशनल म्यूजिक फॉर ब्रेन मसाज. एक हमने अपने जो 4D मेडिटेशन का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर किया था. तो आपने अगर सुना होगा तो उसकी म्यूजिक इस तरह से थी कि लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन, राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन फील हो रहा था प्रैक्टिकली हेडफोन में या ईयरफोन में जब हम सुन रहे थे. और ऐसे फील हो रहा था कि ब्रेन के अंदर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, मसाज हो रहा है. तो ये म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक्स कुछ ऐसी बनी हुई है जो हमारे ब्रेन सेल्स के इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच होकर उनको रिलैक्स करती है, उनको हील करती है. ये सुबह और रात को सोने से पहले स्पेशली इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए हम ग्रुप में रोज रात को एक मेडिटेशन सॉन्ग शेयर करते हैं, एक नया और एक अलग थीम के साथ, जिसको सुन के बहुत सुकून मिले और हमारी रात की नींद भी अच्छी हो और सुबह का अमृत वेला भी शक्तिशाली हो. उसके अलावा आपके साथ जो रोज एक टॉपिक पे 5 मिनट्स मेडिटेशन ऑडियो शेयर किया जाता है हिंदी में और इंग्लिश में गाइडेड कॉमेंट्री, तो वो भी आप रोज अगर 5 मिनट्स भी निकाल कर आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद आप आसानी से मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं. तो ये जो भी साइंस के साधन है वो हम मेडिटेशन में बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आप सभी उसको यूज़ करें, जो भी आपको रोज़
मिल रहा है, चाहे मेडिटेशन सॉन्ग हो या 5 मिनट्स कॉमेंट्री हिंदी इंग्लिश हो, और मॉर्निंग में एक थॉट भी मिलता है जिस पे हम पूरा दिन चिंतन कर सकते हैं. कमिंग टू अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कि हमने जो जाना के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मेनली तीन यूनिवर्सल स्टेप्स है मेडिटेशन के. पहले तो हर बात से डिस्कनेक्ट हो जाना, फिजिकल वर्ल्ड की हर बात से, और उसके बाद कनेक्ट होना, और उसके बाद एनर्जी को यूटिलाइज करना. तो डिस्कनेक्ट होना, डिटैच होना, विड्रॉ होना, ये हमने कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, इसको आज और आगे ले जाते हैं. हम सभी अपनी लाइफ में चार तरह से जुड़े हुए हैं. अपने बुद्धि में चलने वाली जो भी बातें हैं, चाहे थॉट्स चल रही हो, चाहे पास्ट मेमोरीज चल रही हो, वो हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहती है. जब भी हम एकांत में बैठते हैं मेडिटेशन करने, तो हम अपने ही मन के विचारों से विड्रॉ करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं. पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जो कुछ घटनाएं बीती हुई है जिन्होंने हमारे ऊपर गहरी छाप छोड़ी है, वो चाहे शॉर्ट मेमोरी हो या लॉन्ग पास्ट की बहुत पुरानी बातें हो, बहुत सी बातें हमारे ब्रेन में विजुअलाइज के रूप में चलती रहती हैं, रिकॉल होती रहती हैं, जिसमें हम रीलिव करते हैं. कई बार काफ़ी सालों पहले की भी जो बात हमारी लाइफ में आती है, जो बीत चुकी है, अभी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन उस याद करके वैसे इमोशंस हम अभी भी फील करते हैं. मतलब हम रीलिव करते हैं इनडायरेक्टली उस लाइफ की बात को, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर बहुत गहरी छाप छोड़ी हुई है. तो उसके बाद फिर हमारे शरीर के साथ जो भी चलता है, उसमें भी हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं. थोड़ा भी शरीर को अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आजकल तो बीमारियां सबको कुछ ना कुछ रूप में थोड़ा बहुत लगी हुई है, तो जिस भी रूप में बॉडी के साथ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उस पे भी हमारा चिंतन बहुत चलता रहता है ना. फियर भी चलता रहता है कि पता नहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए, हमें भी कोई बीमारी ना हो जाए. कोई किसी भी बीमारी के पेशेंट को देखेंगे तो किसी किसी को तो बिल्कुल लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसी तकलीफ हो रही है. शरीर के साथ भी, क्योंकि हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है. और उसके बाद चारों ओर हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, जो न्यूज़ आ रही है, चाहे हमारे शहर की हो, देश की हो, दुनिया की हो, तो हर घटना हम पर इम्पैक्ट करती है. चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल हो, अबाउट क्रिकेट हो, या वार से रिलेटेड हो, बॉर्डर से रिलेटेड हो, हर बात हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चिंतन रहती है. या चाहे अड़ोस पड़ोस की कोई बातें हो, या सिचुएशन, जिस सिचुएशन में महंगाई का इशू हो, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, ये जो भी बाहर की बातें हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं. और फिर रिलेशनशिप्स, वो भी हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो जिससे भी हमारा गहरा पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन है, उस तरफ बुद्धि जाती है. तो इसीलिए इन चारों तरह से हमें डिटैच, विड्रॉ होने के लिए हमें क्या करना होगा, कि पहले चारों इन दिशाओं में, डायमेंशंस में, एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी का, लाइट का फील करना होगा, विजुअलाइज करना होगा, जैसे वो डिस्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाए. स्लोली जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ जाने लगेगी, तो उन सभी से हमारा विड्रॉ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक के साथ हमारा हिसाब किताब है. और जैसे हमने लास्ट टाइम सरेंडर्स का अभ्यास किया था, कि हम कंप्लीट सरेंडर होकर बैठेंगे मेडिटेशन में, तो सरेंडर क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने गीता के
अठारह अध्याय के 66वें श्लोक को समझा था कि देह सहित देह के सर्व धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आओ तो तुम्हें मैं सब पापों से चिंताओं से दुखों से मुक्त कर दूंगा। इस महावाक्य को हमने समझा कि शरीर से रिलेटेड, लेकिन कई बातें हमारे माइंड से रिलेटेड भी होती है, जिसको बुद्धि का अहंकार ईगो कहते हैं, जो बुद्धि में भी हमारे माइंड में चलता है कि अरे हम तो ये हैं, आइडेंटिटीज जो चलती हैं। फिजिकल आइडेंटिटीज एक अलग चीज़ है कि हम दिखने में कैसे हैं या पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन हमारे भीतर एक मन की जो छवि बनी हुई है कि मैं स्वयं सो हूँ, मैं कितनी पढ़ाई किए हुए हूँ, मेरा स्टेटस क्या है समाज में, मैं कितना बुद्धिशाली हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, ये सब जो मन का माइंड का ईगो आता है वो भी हमें सरेंडर करना होगा, तो ही संपूर्ण तरह से हम आसानी से हर बात से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो बुद्धि और मन और पास्ट है ना, इस ब्रेन में तीन बातें चलती रहती हैं, एक तो थॉट्स मन में और बुद्धि में, बुद्धि का जो अहंकार ईगो और पास्ट मेमोरीज, तीनों बातों को कुछ समय के लिए सरेंडर करें जब भी हम मेडिटेशन में बैठें। उसके बाद शरीर के साथ जो कुछ बीत रहा है उसको कंप्लीट सरेंडर, ये माइंड में क्लियर लाना है कि ये बॉडी जो है, ये शरीर जो है, ये कॉस्ट्यूम है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमें कर्म करने के लिए मिला है। अभी हमने जब मेडिटेशन में जब हम बैठे हैं तो हमने अपना कर्म अभी पूरा किया है या करना है बाद में देखेंगे, हम उस कर्म के इंस्ट्रूमेंट को माइंड से डिटैच कर लें कुछ समय के लिए। कि जैसे हम कार चलाते हैं, जब यात्रा करके समझो जहाँ पे डेस्टिनी पे पहुँचते हैं तो हम उतर के बाहर निकल के बैठते हैं या जाते हैं, तो इसी तरह कुछ समय के लिए पूरे बॉडी के कॉन्शियस से ही डिटैच होकर बैठें, सरेंडर करके बैठें। शरीर को अभी ब्रह्मांड की शक्ति चलाएगी, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि जो गीता का मेन चित्र दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण जी चला रहे हैं, तो हमें भी ये रथ जो है शरीर, वहां पे पांच घोड़ों का रथ दिखाया है, तो ये शरीर हमारा पांच घोड़ों का अर्थात पांच तत्वों का, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी का जो शरीर है उसको भी संपूर्ण समर्पित होकर बैठना है। और उसके बाद जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, घटनाएं चलती हैं, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंस हैं, उन सभी को सरेंडर, फोर डायमेंशन सरेंडर, सिर्फ शरीर को सरेंडर नहीं लेकिन मन बुद्धि और पास्ट मेमोरीज को, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को और लास्ट में रिलेशनशिप्स को। जो भी संबंध है, रिलेशंस हैं, उनको भी भूलकर बैठना होगा क्योंकि वो भी अटैचमेंट हमारी बुद्धि को खींचते हैं। चारों प्रकार के डिस्ट्रैक्शन तभी आते हैं जब हम अपने आप को संपूर्ण समर्पित करके नहीं बैठते हैं। अगर सब बातों से, चारों तरह से, फोर डायमेंशन से सरेंडर हो जाए तो विड्रॉ करना भी, डिस्कनेक्ट करना भी हमें आसानी से हो जाए। और मेडिटेशन में जो भी हमारी जो कंप्लेंट्स होती है कि हमारा मन बुद्धि यहाँ वहाँ जा रहा है, तो वो कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम सब बातों से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सत्ता के साथ जुड़ जाएंगे। सरेंडर कर दिया उसको, नेक्स्ट हमारा ये भी टॉपिक होगा कॉस्मिक सरेंडर, तो और आसान हो जाएगा आपको। तो ये जो चारों तरह से डिस्ट्रैक्शन है
वो मेडिटेशन में खत्म करने के लिए, कंप्लीट विदड्रॉ करने के लिए बहुत आसान है। इसके बाद भी अगर आपको और भी फिर डिफिकल्ट लगता है, लास्ट टाइम में हमने डिटैच विदड्रॉल थ्रू स्लीप मोड भी हमने डिस्कस किया था, और एक बहुत अच्छा तरीका है डिटैच होने का जो है टू फील के कुछ समय के लिए हम इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया को छोड़कर एक न्यू एनर्जी वर्ल्ड में एंटर होते हैं ना। पूरा जो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल वर्ल्ड है, कुछ समय के लिए उससे बिल्कुल डिसकनेक्ट होके एक न्यू वर्ल्ड, लाइट और एनर्जी की वर्ल्ड में विजुलाइज करना अपने आप को, एक एनर्जी की दुनिया। जैसे थ्री डायमेंशंस में ये दुनिया दिखती है, फोर्थ डायमेंशन जो हमारी थॉट एंड विजन पावर है वो एनर्जी की दुनिया को देख सकती है। हम कुछ समय के लिए अगर अभ्यास करें कि हर चीज़ को एनर्जी के रूप में देखेंगे, ये अभ्यास करने से हम मन बुद्धि के द्वारा उस एनर्जी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और इस दुनिया से बिल्कुल जैसे कट हो जाते हैं, जैसे कोई सोल शरीर को छोड़कर चली जाती है इस दुनिया से, जिसको हम डेथ कहते हैं, वो डेथ को जो नाम दिया है, तो वास्तव में आप देखो वो एक विड्रॉल है। हम सभी कॉमन भाषा में कहते हैं मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। तो आया है और जाना है, पैदा हुआ या मर गया ऐसा नहीं। शरीर यहाँ पैदा हुआ, शरीर मर जाता है, लेकिन जो आया है वो कॉन्शियसनेस है, सोल है, एक एनर्जी है, और जो जाती है वो भी एनर्जी जाती है। तो मतलब वो जो हमारा फॉर्म है, वो हमारा जो स्टेज है एनर्जी का, वो परमानेंट है, जिसको डेथ भी एंड नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिक्स लॉ भी कहता है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हम भी अगर कुछ समय के लिए उस एनर्जी की वर्ल्ड को फोर्थ डायमेंशन में विजुलाइज करते हैं अपने भीतर, जिस वर्ल्ड को हमारी मन और बुद्धि विजुलाइज कर सकती है, अगर हम वो करते हैं तो हमें उस एनर्जी की दुनिया में जब खो जाते हैं तो आसान हो जाता है इस दुनिया से विड्रॉ होना। जैसे हम नींद में भी क्या करते हैं, इस दुनिया से जैसे कुछ समय के लिए बिल्कुल मर जाते हैं, भले शरीर से हैं, अपने शरीर में ही है, लेकिन बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ, टेम्पररी डेथ। स्लीप इज आल्सो कॉल्ड टेम्पररी डेथ। तो इसी तरह हम मेडिटेशन करते समय भी उसी फीलिंग को अनुभव करें कि कुछ समय के लिए हम बिल्कुल ऐसी दुनिया में चले जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़कर जो लाइट और एनर्जी की दुनिया है, जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। हर चीज को आप एनर्जी और लाइट के रूप में विजुलाइज करेंगे, चाहे अपनी बॉडी हो और कोई व्यक्ति हो, कोई प्लेस हो। जैसे एक फिल्म की नेगेटिव कॉपी जब देखते हैं तो अलग ही रूप दिखता है, तो इसी तरह हम जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो इस फिजिकल जो भी दुनिया है उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस के रूप में नहीं देखकर एक लाइट और एनर्जी के रूप में देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। और कनेक्ट होने की बहुत आसान विधि जैसे बताई थी मैंने कि थॉट और विजन, इनर टीवी, हमारे भीतर जो टीवी चलती है कंटिन्यू, जब हम आंखें बंद करते हैं या एकांत में बैठते हैं तो अपने बुद्धि के, ब्रेन के भीतर अंतर मन में विचार और दृश्य चलता रहता है, जिसको कहते हैं इनर टीवी। दुनिया की टीवी टेलीविजन कहलाती है, लेकिन मेडिटेशन में, आध्यात्म में ये जो टीवी है ये है थॉट एंड विजन। जिसकी भी थॉट लाते हैं और विजन क्रिएट करते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं,
जैसे लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ मैं बैठा हूँ, किसी मैं ऐसे व्यक्ति को याद कर रहा हूँ जिसने बहुत परेशान किया है, तो मुझ मेरे भीतर गुस्सा, दुख, अशांति, परेशानी, हलचल, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष पैदा हो जाता है जस्ट उसको विजुअलाइज करने से। भले वो वहाँ किस भी रूप में बैठा हो, लेकिन पास्ट की सीन से उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, और वैसे इमोशंस, वैसी एनर्जी बॉडी में रेडिएट होने, मतलब शुरू एक्सप्लोर होने लगती है, जागृत हो जाती है वैसी एनर्जी। जबकि वो घटना काफी समय पहले घटी होगी, वो व्यक्ति अभी एट प्रेजेंट मेरे सामने भी नहीं है। तो दिस थॉट एंड विजन, विचार और दृश्य में किसी को भी विजुअलाइज करने से जो कनेक्ट होने की विधि है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, एज इजी एज वॉचिंग टीवी। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, अपने भीतर की टीवी को देखते रहना है ना। मेडिटेशन इज सिंपल वर्ड्स, इज डूइंग नथिंग फिजिकली मेंटली एंड अलाउिंग कॉस्मिक एनर्जी टू वर्क ऑन अस एंड वर्क फॉर अस। जो फोर्थ डायमेंशंस है, मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, ना शरीर से कुछ करना है, ना ब्रेन से, ना मन से, ना बुद्धि से, लेकिन परमात्मा की लाइट को, शक्ति को, ब्रह्मांड की शक्तियों को, कॉस्मिक एनर्जी को हमारे ऊपर और हमारे लिए कार्य करने देना है। जस्ट अलाउ दैट सुप्रीम टू वर्क ऑन अस एंड वर्क फॉर अस। क्योंकि आपने चारों तरह से जब सरेंडर किया, तो चारों को एनर्जी ब्रह्मांड देगा, कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहेगी, परमात्मा को की शक्ति मिलती रहेगी। जब भी लास्ट टाइम हमने वो डिस्कस किया था कि जैसे ही हम मन और शरीर से बिल्कुल डिटैच होकर नींद के मोड में, स्लीप मोड में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का फ्लो, कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर ब्रेन में और बॉडी में फ्लो होती है, क्योंकि हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली सरेंडर कर रहे हैं। भले हम किसी भी जीवन की स्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे ही हम नींद में जाते हैं तो चार्जिंग चालू हो जाती है। दैट इज नेचुरल मेडिटेशन, अननोइंग, अनजाने में जो मेडिटेशन हो रही है। तो इसी तरह हम नोइंगली भी इन चारों को कंप्लीट सरेंडर करके, फोर डायमेंशन सरेंडर करके हम इस मेडिटेशन में बैठेंगे। अभी प्रैक्टिकल मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, तो सभी रेडी हैं? विजुअलाइजेशन स्टेप्स पे आ जाते हैं हम। आपको स्टार्ट में विजुअलाइज करना है कि ऊपर से एनर्जी आ रही है और वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश होती हुई ब्रेन को इनलाइटन कर रही है। ऊपर से ब्रह्मांड से पावरफुल एनर्जी का फ्लो आता हुआ हमारे ब्रेन में। मैं जस्ट पहले देख लीजिए, फिर हम अभी 3-4 मिनट हम तैयारी करते हैं थॉट्स की, विजुअलाइजेशन की, और उसके बाद हम सभी जो नए हैं खास करके, वो आंखें बंद करके उसका हम अभ्यास करेंगे, या जो भी या विजुअलाइजेशन देखेंगे उसमें भी आप कर सकते हैं। तो पहले विजुअलाइज करना है कि ऊपर से हमारे एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे वो एनर्जी ब्रेन से नीचे पूरे शरीर में फैलती जाए, ऐसा अभ्यास करें। जैसे स्पार्क आके हमारे ब्रेन को भीतर से एनलाइटन कर चुका है और हमारी भीतर की एनर्जी लाइट जागृत हो चुकी है ना, जैसे एक बुझे दिए को जब एक मैच स्टिक जला के देते हैं, तो इसी तरह ब्रह्मांड से परमात्मा की लाइट आकर हमारे भीतर को प्रकाशमय कर रही है, और वो धीरे धीरे प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, और उसके बाद हमारे चारों ओर आभा मंडल में, एनर्जी सर्किल में भी
वो लाइट और एनर्जी फैलती जा रही है, और उसके बाद हम विजुअलाइज करते हैं कि वो एनर्जी हमारे परिवार को, हमारे शहर को, देश को, विश्व को, सारी दुनिया को मिल रही है। इस तरह से आप फील कर सकते हैं उस थॉट एंड विजन में, अपने बुद्धि के भीतर वो लाके, कि कैसे एनर्जी का फ्लो आ रहा है ऊपर से, परमात्मा की प्रकाश और शक्तियों की बहती हुई धारा मस्तिष्क में आती हुई धीरे धीरे हमारे पूरे ब्रेन से नीचे शरीर में फैलती जा रही है, और फिर धीरे धीरे हमारे चारों ओर भी फैल रही है। थैंक यू वेरी मच। आपने कॉन्सेंट्रेशन से सुना। अब हम प्रैक्टिकल मेडिटेशन पे 10 मिनट का अभ्यास, 10 टू 15 मिनट्स अभ्यास चलेगा। तो सभी होपफुली रेडी हैं लास्ट में, उसके बाद जिनको भी कुछ प्रश्न या शेयरिंग करनी हो तो मेडिटेशन के बाद कंटिन्यू करेंगे हम कुछ मिनट। और मेडिटेशन के बाद जिनको भी डिस्कनेक्ट करना हो तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, नीचे हो, चेयर पे हो, सोफा पे, जहाँ पे भी, जिस भी पोज में आप बैठना चाहें, क्योंकि ये मेडिटेशन शरीर का नहीं है लेकिन मन और बुद्धि का मेडिटेशन है। तो रिलैक्स होकर बैठे, एक मेडिटेशन का ही पीपीटी मैं अभी ऑन करता हूँ, आपके सामने वही आएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि जो टॉपिक कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट में डिस्कस हो चुके हैं वो अगर आपने नहीं सुने हैं तो प्रैक्टिकल मेडिटेशन सही रूप से आप नहीं कर पाएंगे। भले आपने बहुत प्रकार की मेडिटेशन का अभ्यास किया हो, बहुत इससे भी अच्छे हो सकता है मेडिटेशन हम सभी करते हो, जानते हो, लेकिन हर मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से प्रॉपरली समझने के बाद हम उसको जब अभ्यास करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। वैसे तो सभी प्रकार की मेडिटेशन अच्छी है, लेकिन जब हम कुछ मेडिटेशन का कुछ दिनों के लिए डीप में अभ्यास करते हैं तो उसका रिजल्ट सर्ज और इफेक्ट तो दिखाई देता है। ऐसे अगर एक मेडिटेशन दूसरी मेडिटेशन वैरायटी करते रहते हैं तो चेंजिंग होने के कारण हम किसी भी बात को डीप में नहीं समझ पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो भी आपको मेडिटेशन हम यहाँ पे हम अभ्यास कर रहे हैं उसको पहले आप डीप में जाना, कुछ समय अभ्यास करो, फिर चाहे आप दूसरे भी अभ्यास करते रहेंगे। तो अभी लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल 4D मेडिटेशन। सभी साइलेंट में बैठ जाएंगे। आप सभी जो जिनको रोज 5 मिनट्स का मेडिटेशन ऑडियो कमेंट्री मिलता है, और रात को सोने से पहले एक मेडिटेशन सॉन्ग की लिंक भी मिलती है, तो मेजॉरिटी तो आप सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। जो नए फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किए हैं, जिन जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो मैं इस प्रैक्टिकल मेडिटेशन के बाद आपके साथ वो लिंक शेयर करूंगा और मेरा फ़ोन नंबर शेयर करूंगा चैट बॉक्स में। वो आप नोट करके मुझे 4D खाली करके मैसेज भेजेंगे। तो आप सभी उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो YouTube पे लिंक भी दी जाएगी, आप
देख के फिर प्रैक्टिकल मेडिटेशन अभ्यास करेंगे। अभी हम सभी रिलैक्स होकर बैठें। Let's meditate. एकांत में बैठकर विचार और दृश्य में बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर डिस्कनेक्ट होकर हम लाइट और एनर्जी की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। हम तन से मन से परिस्थितियों से संबंधों से सरेंडर होकर संपूर्ण समर्पित होकर ब्रह्मांड की शक्तियों के आगे विश्व के रचयिता के आगे हर रूप से समर्पित होकर एक फोर्थ डायमेंशन में एनर्जी की लाइट की वर्ल्ड में फील कर रहे हैं अपने आप को। हम सभी के ऊपर परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां आ रही है। हम उस एनर्जी को लाइट को परमात्मा की शक्ति को अपनी तरफ आता हुआ अनुभव कर रहे हैं। शक्तिशाली प्रकाश बहती हुई धारा के रूप में मेरी तरफ आ रहा है। ऊपर से ब्रह्मांड से परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों की धारा मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। मस्तिष्क में वह सेंसेशन फील हो रहा है स्पार्क के जैसा। परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां ब्रेन के हर सेल में हर न्यूरॉन में प्रवेश होती हुई हमारी मन बुद्धि और पास्ट मेमोरीज को प्रकाश और शक्तियों से भरपूर कर रही है। हम मन बुद्धि से स्वस्थ और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। पूरा ब्रेन इस ब्रह्मांड की हीलिंग शक्ति को प्राप्त कर अपने भीतर एनर्जी भरपूर कर रहा है। ब्रेन के हर सेल हर न्यूरॉन में परमात्मा की लाइट और शक्तियां भरपूर हो रही है। पूरा ब्रेन चार्ज होता जा रहा है। मन स्वस्थ शक्तिशाली बुद्धि स्वच्छ तेज
और संस्कार श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। परमात्मा का ऊपर से आता हुआ प्रकाश और शक्तियां हमें मस्तिष्क में भरपूर करता हुआ अब वेन्स से नीचे आंखों में, नाक में, कानों में, मुख में, गले में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, कंधों में, बाहों में, हाथों की उंगलियों में, छाती, पेट, कमर, पैरों की उंगलियों तक वो लाइट, वो एनर्जी फ्लो हो रही है। पूरा शरीर परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। शरीर के नस नस में, हर ऑर्गन में, रक्त के कण कण में एनर्जी का फ्लो जाकर हील कर रहा है, स्वस्थ बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। शरीर से हम स्वस्थ और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ऊपर से और भी लाइट और एनर्जी आती हुई मस्तिष्क और शरीर को चार्ज करती हुई, हील करती हुई अब हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है। हमारे चारों ओर का वायुमंडल, एटमॉस्फियर प्रकाश में होता जा रहा है, शक्तिशाली बनता जा रहा है। हमारे चारों ओर परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों का एनर्जी सर्किल बना हुआ है। हम परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों से भरपूर और चारों ओर फैले हुए परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों के बीच हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, शक्तिशाली हैं। तन से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, शरीर से भी शक्तिशाली, मन से भी शक्तिशाली। तन से भी सुरक्षित, मन और बुद्धि से भी सुरक्षित। दूर दूर तक परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां फैलते हुए हमारे परिवार को, हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को, शहर को, देश को, सारे विश्व को वह लाइट, वह एनर्जी परमात्मा से मिल रही है। हम सभी के लिए ये शुभकामना करते हैं कि सबको परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां मिले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सभी को तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंधों का, साधनों का सुख प्राप्त हो, सारे विश्व का भला हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सब सुरक्षित हों, सब स्वस्थ हों, सब शक्तिशाली हों, सबको परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों से जीवन में सर्व प्राप्तियां हो। हम परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों से भरपूर हैं।
और हमारे चारों ओर भी परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां फैली हुई हैं। कुछ समय के लिए हम ऐसे ही बैठ के फिर से वही अभ्यास करेंगे कि हमारे भीतर ऊपर से ब्रह्मांड से परमात्मा की लाइट और शक्तियां आ रही है, वो सारे विश्व में फैल रही है।